नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। खबर मुजफ्फरनगर से है। दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित केंद्रीय हॉल में संविधान दिवस के संबंध में किया गया गोष्ठी का आयोजन। जनपद मुजफ्फरनगर में उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य विविध सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्रों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर राजीव शर्मा की अध्यक्षता व कुशल निर्देशन में माननीय उच्च न्यायालय व शासन द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित केंद्रीय हॉल में संविधान दिवस के संबंध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका संचालन सलोनी रस्तोगी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। गोष्ठी में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अध्यक्ष मलखान सिंह, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पंकज अग्रवाल, सभी न्यायिक अधिकारीगण, मध्यस्थ अधिवक्तागण, पैनल अधिवक्तागण तथा कर्मचारीगण द्वारा भाग लिया गया। राजीव शर्मा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा संविधान की उद्देशिका तथा मूल कर्तव्यों का निर्वेह करते हुए सभी को प्रेरित करते हुए संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों का पाठन कराया गया। उनके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों के अनुपालन में ही उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं पूर्ण विकास संभव है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें तो हम सभी के अधिकार स्वतः ही सुनिश्चित हो जाएंगे। संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के दिए मौलिक कर्तव्य वर्ष 1976 में जोड़े गए हैं, परंतु भारतीय परंपराओं तथा चिंतन की धाराओं ने सदियों से कर्तव्यों के निर्वेह पर बहुत अधिक बल दिया है, जिसे धर्म कहा जाता है। हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वेह करते हुए जिम्मेदार नागरिक बने, जिससे राष्ट्र विकास व उन्नति की नई ऊंचाइयों को छू लें। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा बताया गया कि हमें संविधान निर्माताओं के संघर्ष तथा परिश्रम को सदैव याद रखना चाहिए। संविधान के आदर्शों, स्वतंत्रता आंदोलनों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान तक का सम्मान करना चाहिए। आपस में भाईचारे की भावना बनाए रखें, जो जाति धर्म के भेदभाव से परे हों। मलखान सिंह अध्यक्ष मोटर दुर्घटना द्वारा प्राधिकरण द्वारा कहा गया कि अपने देश की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करें। ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। संविधान दिवस की इस गोष्ठी में संविधान की उद्देशिका तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में अन्य न्यायिक अधिकारीगण द्वारा भी अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। आज माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि संविधान दिवस के अवसर पर हमारे संविधान की जो आदर्श हैं, उसकी उद्देशिका, उसकी प्रस्तावना और हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उनका पठन पाठन किया जाए और एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाए। तो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री राजीव शर्मा की अध्यक्षता में यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे संविधान के मूल आदर्श हैं, उच्च आदर्श हैं, उनका हम पालन करें, उनका निर्वहन करें, उनको हम बार बार याद करें। जो हम अधिकतर अपने अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे अधिकार ये हैं, हमारे अधिकार वो हैं, लेकिन हम कर्तव्यों की बात कम करते हैं या करते ही नहीं है। तो एक सुखी और शांति पूर्ण समाज के लिए जरूरी है सबसे ज्यादा कि हमारे नागरिक यानी हम सब नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य पारस्परिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। यदि एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है तो वही दूसरे का अधिकार होता है। यदि हम अपने सभी कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से निभाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हमारा देश नए विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। जय हिंद, जय भारत।